धर्म गुरु सिर काटने की बात कर रहे हैं, क्या मैं इन्हें जल्लाद आतंकी समझू? सपा नेता स्वामी प्रसाद का नया बयान। समाजवादी पार्टी के नेता और MLC स्वामी प्रसाद मौर्य पिछले कुछ दिनों से अपने बयानों को लेकर लगातार सुर्खियों में। सपा नेता स्वामी प्रसाद ने अब नया बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर किसी और धर्म का व्यक्ति किसी की गर्दन काटे या जीभ काटने का बयान देता है तो धर्मगुरु संत महंत उसे आतंकवादी घोषित कर देते, लेकिन आज ही यही लोग मेरा सर काटने जीभ काटने की बात कर रहे हैं, तो क्या मैं इन्हें शैतान जल्लाद या आतंकी समझूं? दरअसल स्वामी प्रसाद ने हाल ही में रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा था कि कोई करोड़ लोग रामचरितमानस को नहीं पढ़ते, सब बकवास है, यह तुलसीदास ने अपनी खुशी से के लिए लिखा है। सरकार को इसका संज्ञान लेते हुए रामचरितमानस से जो आपत्तिजनक अंश है उसे बाहर करना चाहिए या इस पूरी पुस्तक को ही बैन कर देना चाहिए। अरविंद कुशवाहा ने कहा कि भाजपा का विरोध करते हुए हिंदू धर्म के खिलाफ ओझी बयानबाजी कर रहे हैं, हिंदू इस कृत्य को स्वीकार नहीं करेंगे। BJP सांसद बोले, स्वामी प्रसाद को इस्लाम अपना लेना चाहिए। सलेमपुर से भाजपा के लोकसभा सांसद रविंद कुशवाहा ने कहा कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को इस्लाम अपना लेना चाहिए और अपनी बेटी और BJP सांसद संगमित्रा को लोकसभा से इस्तीफा देने के लिए कहना चाहिए। रविंद कुशवाहा ने कहा कि अगर सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने कुछ नैतिकता है तो उन्हें तुरंत इस्लाम स्वीकार कर लेना चाहिए और उनके पूरे परिवार को इसका पालन करना चाहिए। हिंदू होने के नाते स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हैं, सनातन धर्म के लोग इसे स्वीकार नहीं करेंगे। लखनऊ में दर्ज हुई FIR स्वामी प्रसाद के रामचरितमानस वाले बयान के बाद जमकर हंगामा हुआ। इतना ही नहीं, लखनऊ में उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ है। पुलिस के मुताबिक स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता यानी IPC की धारा 295A, 298, 504 और 153 के तहत दर्ज किया गया है। हमें कुछ चौपाइयों पर आपत्ति है। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी के बाद कहा कि उन्हें ना तो भगवान राम पर अपमान किया है ना ही रामचरितमानस का अपमान किया। उन्होंने कहा कि हमें कुछ चौपाइयों पर आपत्तिजनक है। स्वामी प्रसाद ने कहा कि उन्होंने किसी ग्रंथ या भगवान के खिलाफ कुछ भी नहीं कहा है। मैं अपने बयान पर कायम हूँ। हमने रामायण की उन चौपाइयों पर आपत्ति जलाई है जिसमें दलित और पिछड़ों को अपमानित किया गया है। उस अंश को रामचरितमानस से निकालने की बात कही है। विशेष जाति के लोग कर रहे हैं विरोध। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि संत महंतों को, धर्म आचरण को, बड़े बड़े पुजारी पंडों को अगर गाली अच्छी नहीं लगती तो हमें कैसे गाली अच्छी लगेगी। साथ ही कहा कि विशेष जाति के लोग ही उनका विरोध कर रहे हैं। पंडे पुजारियों को इस बात का डर सता रहा है कि अगर मेरे कहने पर दलित और पिछड़े एक हो गए तो लोग मंदिर आना बंद कर देंगे, जिससे चढ़ावा और पेट पूजा बंद हो जाएगी, उनका धंधा ठप हो जाएगा। स्वामी प्रसाद की बेटी ने किया था पिता का समर्थन। वहीं बदायूं से BJP सांसद संगमित्रा मौर्य अपने पिता के समर्थन में आई थी। उन्होंने कहा कि हिंदू महाकाव्य के कुछ हिस्सों पर बहस होनी चाहिए। उनके पिता रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों को आपत्तिजनक बताते हैं। इस पर विद्वानों के साथ चर्चा की जानी चाहिए। आपको क्या लगता है कि क्षुद्र गवार ढोल पशु नारे यह सब तारण के अधिकारी, ये सही है गलत है, इसको हटा देना चाहिए कि नहीं? अपना कमेंट करके जरूर बताएं। इसके लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं नए समाचार वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।